नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपके जो स्पेक्स है आर्म है उसकी जो मसल है टोटल वो आपको मैं याद करवाने जा रहा हूँ 5-10 मिनट के अंदर। आपको बस एक काम करना होगा, वीडियो पूरा देखना होगा मेरे साथ, जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना होगा। और आपको एनाटोमी चीज़ है उसको 2-3 बार रिवाइज तो मांगती है एनाटोमी। बाकी चीज़ें समझना बहुत जरूरी है एनाटोमी के अंदर, ऐसा नहीं कि सब कुछ रटना ही है, ठीक है? तो समझ कर हमें उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो वो आपको परमानेंट आपके याद हो जाएगा। आप साथ वालों को पढ़ाइए, किसी को पढ़ाइए, पढ़ाने से और अच्छा आपका माइंड में अच्छी तरह फिट होता है। तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों, जैसे आपको पता है जो स्पेक्स है, स्पेक्स को हम ये हैंड होता है, ये फोरआर्म होता है, ये आपका आर्म होता है, ये शोल्डर रीजन होता है, ये पेक्टोरल रीजन और ये बैक, ठीक है? तो इनके अंदर मेन तो ये 4 होते हैं, शोल्डर, आर्म, फोरआर्म और हैंड, ठीक है? हैंड के अंदर 20 मसल होती हैं दोस्तों। आपको मसल के नंबर्स देखकर घबराना नहीं कि 20 बहुत आसान है इनके नाम याद रखना, ठीक है? हैंड में होती हैं 20। आगे चलता है आपका हैंड के बाद फोरआर्म, फोरआर्म के अंदर आपकी फिर से है 20 मसल। आर्म उसके बाद आता है आर्म के अंदर आपकी मसल आती हैं 4, ठीक है? और शोल्डर रीजन के अंदर, शोल्डर रीजन उसके अंदर आती हैं आपकी 5, शोल्डर रीजन के अंदर 6, ठीक है? ये 50 मसल इसके अंदर है। और आप आगे की तरफ याद करना चाहते हैं पेक्टोरल रीजन और बैक, बैक के अंदर 5, इसके अंदर 3, ठीक है? देखिए ये नंबर तो मैंने अभी बताया आपको, पर आपको याद कैसे रखना है नंबर देख के आपको घबराना नहीं, कितनी सारी मसल आपको ये बस 5-10 मिनट सारे याद होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम आगे से, जो पेक्टोरल रीजन होता है 3 होते हैं, ये आर्म होता है, ये पेक्टोरल रीजन, ये बैक और ये आपका शोल्डर रीजन। इसके अंदर जो दो मसल होती हैं वो पेक्टोरल मेजर माइनर होते हैं। पेक्टोरल रीजन के अंदर जो मेजर माइनर 3 जगह आती हैं, एक आगे की तरफ होती है उसको पेक्टोरल माइनर मेजर बोलते हैं, पीछे वाली को जो 2 आती हैं मेजर माइनर वो रोम्बोइड्स आती हैं, रोम्बोइड्स माइनर मेजर। और जो शोल्डर रीजन के अंदर आती है आपकी वो आती है टेरिस माइनर एंड मेजर। तो यहाँ पर पेक्टोरलिस, यहाँ पर रोम्बोइड, यहाँ पर आपका टेरिस, ठीक है? तो 6 मसल तो आप ऐसे याद रखनी है, जब भी इनको अलग तरीके से याद रखोगे तो आपको याद नहीं रहेंगी, भूल जाओगे आप। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा और एक मसल बचती है, वो आती है सबक्लेवियस, सबक्लेवियस बोन होती है, सबक्लेवियन उसके नीचे एक मसल होती है सबक्लेवियस। अभी के लिए आपको नाम याद रखने हैं ना कि आपको कौन सी कहाँ इंसर्जन होता है, कहाँ इंसर्ट होता है, कहाँ इसका वो है, ठीक है, ओरिजिन। तो ये आप पेक्टोरलिजन ख़त्म। पीछे हमने 2 मसल कर चुका था मैं, कौन सी रोम्बोइड दोनों, टेरिस माइनर मेजर। नीचे आपकी लेटेस्ट डोरसाई होती है जो बैकल प्लेक्सस में हमने डिस्कस की थी, उसके ऊपर जो मसल होती है जो शोल्डर को एलिवेशन में हेल्प करती है वो ट्रेपेजियस होती है, 2, 2, 4। एक लास्ट आती है लेवेटर स्कैफुली, ठीक है? लेवेटर स्कैफुली आपको मेनली याद रखना है। 4 मसल आपको याद रहेंगे ऐसी, 2 आपके रोम्बोइड, एक आपका लेटिस डोरसाई, एक आपका ट्रेपेजियस, बस गई लेवेटर स्कैफुली। तो आपका पेटोलिजन ख़त्म, आपका बैक ख़त्म। हम चलते हैं शोल्डर रीजन के अंदर। शोल्डर रीजन के अंदर मसल आती हैं 6। एक सबसे ऊपर होती है वो तो आपको पता ही कौन सी होती है, डेल्टोइड। बची 5, देखो एक स्पाइनस स्कैफुला होता है, स्कैफुला के अंदर सुपर एक स्पाइनस होता है, उसके ऊपर एक इंसर्ट होती है उसे सुपरा स्पाइनेटस बोलते हैं, नीचे एक होती है वो इंफ्रा स्पाइनेटस बोलते हैं। और 2 आपको मैंने पहले बताई दी थी, टेरिस माइनर मेजर, 4 तो हो गई, बची 1, वो होती है ऊपर पार्ट का कर दिया तो लोअर भी आएगा, तो सब स्कैफुलरिस। फिर से बोल देता था हूँ आपको एक बार, 2 टेरिस, तो एक आपका स्पाइनस प्रोसेस के अंदर ऊपर वाली सुपरा स्पाइनेटस, नीचे वाली इंफ्रा स्पाइनेटस, और जो लोअर पार्ट है उसे उस पर एक मसल आती है वो आती है सब स्कैफुलरिस, ठीक है? ये आपकी जो शोल्डर रीजन थी उसकी मसल ख़त्म, ठीक है? हम चलते हैं आगे की तरह। अब आगे ये आपका आता है आर्म। आर्म के अंदर 2 कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर 3 मसल आती हैं, 2 तो आपको ऐसे याद रह सबको पता होती है, जो नो मेडिकोज होता है उसको पता होता है, नीचे ट्राइसेप्स होती है और आगे बाइसेप्स होती है। बची 2 मसल आगे की तरफ, बी सी, बी फॉर ब्रेकेलिस, सी फॉर क्रोकोब्रेकेलिस, ठीक है?
तो चार मसल मैंने ख़त्म की, पीछे ट्राइसेप्स, आगे बाइसेप्स ब्रेक आई, ब्रेकेलिस, क्रोको ब्रेकेलिस। तो ये आपका दो तो हम याद रखनी है नहीं, दो याद रखनी है, बीसी बीसी आगे याद रहेगा। हम आगे चलते हैं आर्म के ऊपर, फोर आर्म के ऊपर। फोर आर्म के अंदर दोस्तों आपको जैसे फोर आर्म है, फोर आर्म का ये आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ही बोलते हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और इसे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं। इस फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर एक सुपरफिशियल कंपार्टमेंट होता है, एक डीप कंपार्टमेंट होता है। इसके अंदर भी एक सुपरफिशियल होता है, एक डीप होता है, ठीक है। तो सुपर जो पहले हम चलते हैं फ्रंट वाले पे, फ्रंट मतलब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल होती हैं आठ जो आपको याद रखनी है, पाँच सुपरफिशियल, तीन डीप। देखिए हमको जैसे पता है इधर होती है आपकी आउट लेटर साइड होती है रेडियस और मिडिल साइड होती है अल्ना। तो जो हम वो नाम कैसे बनाते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, इसका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो स्टार्टिंग कैसे होता है, सबसे एक छोटी सी मसल होती है वो आती है प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर टेरिस छोटी सी मसल होती है। तो नंबर वन प्रोनेटर टेरिस, उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये बहुत लंबी सी मसल जाती है आगे, वो होती है पाल्मेरिस लॉन्गस। और जो एक आपको याद रखना है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियल कैसे याद रहेगा, डिजिटोरियम मतलब डिजिट को जा रही है, सुपरफिशियल मतलब सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में है। इन्हीं पांच मसल से हम बाकी को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब कैसे, सुपरफिशियल कंपार्टमेंट हो गया, डीप कंपार्टमेंट में जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस था वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, वो डीप में आ जाएगा। इससे एक हमने नीचे बना दी, एक आप प्रोनेटर टेरिस था, प्रोनेटर क्वाड्रेटस वो नीचे आ जाएगी, टेरिस मतलब ऊपर, क्वाड्रेटस मतलब डीप। दो मसल हो गई, एक जो आपको डीप में याद रखनी है वो है जो आपका थंब होता है, थंब को जाती है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। पोलिसिस का मतलब होता है थंब, इंडिसिस का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर, डिजिटी मिनिम होता है जो आपका लिटिल फिंगर है वो, ठीक है। तो ये हमने सुपरफिशियल कंपार्टमेंट ख़त्म किया, उसी के साथ हमने डीप कर दिया। दो मसल तो इसके ऊपर वाली से हमने बना दी और एक हमने एक्स्ट्रा याद की है, कौन सी, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, ठीक है। एक बार बस आपको अपने हाथ पर वो करना है, रिवाइज चाहिएगा इसको, एक बार देखने से सुनने से नहीं याद होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, पर एक दो बार करोगे तो ज़रूर याद होगा। तो ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ख़त्म, हम चलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल, डीप, सुपरफिशियल में आपकी होती हैं सात और डीप में होती है पाँच। जैसे हमने पढ़ा था फ्लेक्सर वैसे आपको एक्सटेंसर, मैं बोलूँगा फ्लेक्सर आप बोलो एक्सटेंसर, कैसे, जो आप जो दो मसल प्रोनेटर टेरिस था उसके अंदर, ऐसे इसके अंदर होता है दो मसल छोटी वाली एनकोनियस, एक ब्रोकोरेडियलस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। सुपरफिशियल के अंदर दो मसल हमको मेनली याद रखना है ऐसे ही, एनकोनियस और ब्रेकोरेडियलिस। बाकी जो पांच मसल हैं वो हमें फ्लेक्सर से ही याद रखनी है। जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस था उसकी हमने बना दी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। इस ऊपर एक थी नीचे दो आ जाएंगी, यहाँ पर ब्रेविस लॉन्गस नहीं था, यहाँ पर सिर्फ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस था, वहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। सेकंड मसल तो हमने था फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, वहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। यहाँ पर हमने पढ़ा था फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, वहाँ पर सिर्फ एक्सटेंसर डिजिटोरियम, बस ये एक मसल पाल्मेरिस लॉन्गस यहाँ पर पढ़ा था, वहाँ पर क्या आ जाएगा पाल्मेरिस नहीं एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। जो सिर्फ एक ही मसल आपको मैंने याद रखनी है वो है आपकी कौन सी, पाल्मेरिस लॉन्गस की जगह एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। डिजिटी मिनी सुपरफिशियल में आता है, इंडेसिस डीप में आता है, ठीक है। ये हमने सुपरफिशियल ख़त्म कर दिया उसका। डीप में पांच मसल होती हैं, पांच को कैसे याद रखेंगे हम देखिए, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी तो सुपरफिशियल में आ गया था, तो इंडेसिस किस में आएगा, उसके डीप में, एक्सटेंसर डिजिटी में इंडेसिस उसके डीप में। उसके अलावा एक जो स्पाइनेशन में जो हेल्प मैन मसल हेल्प करती है वो आती है आपकी कौन सी, वो है आपके स्पाइनेटर, स्पाइनेटर जो मैन मसल है स्पाइनेशन के अंदर,
एक हमने याद किया एक्सटेंसर डिजिटी मीन सुपरफिशियल में है, एक्सटेंसर इंडिसिस डीप में है। उसके अलावा दो हमने पढ़ा था फ्लेक्सर के सुपर डीप में फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, वहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे फ्लेक्स एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एक हो जाएगा और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ से दो बन रहे हैं, कुछ मसल का नंबर ज़्यादा है तो इसलिए आपको कुछ मसल को वो ऊपर सिर्फ सिर्फ पालमेस फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस है तो वहाँ पर नीचे एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस दोनों आ जाएगा। एक मसल बचती है वो है आपको याद रखना है अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ठीक है। अब देखिए इन मसलों को हमने वो किया, अब आपके बुक है यदि बुक में आप साथ साथ इनको ऐसे ऐसे याद रखते हो कि ऊपर वाले से नीचे कैसे बनाना है, नीचे वाले से ऊपर कैसे बनाना है, कौन सी बच गई कौन सी, मतलब आप दो तीन तरीके से याद करते हो ना तो आपको ज़्यादा याद रहने वाली है। अब लास्ट चलते हैं हम हैंड पे। हैंड पे दोस्तों ये थिनर पार्ट होता है ये वाला, इसे हाइपर थिनर बोलते हैं और 12 मसल तो आपको याद रखनी नहीं है, 4 पाल्मर इंट्रोसाई, 4 डोर्सल इंट्रोसाई और 4 लम्ब्रिकल, 12 ख़त्म, बस ये 8 मसल। तो 4 होती हैं हाइपर थिनर, 3 थिनर होती हैं और 1 एडक्टर ऑफ थंब। एडक्टर सिर्फ एक ही होता है पूरे इसके, एक ही पढ़ोगे एडक्टर ऑफ थंब आप हैंड के अंदर। तो थिनर में 3 मसल कौन से, देखिए दोस्तों जो फ्लेक्सर फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस हमने इसके डीप में पढ़ा था फोरआर्म के, तो ब्रेविस ही बच गया तो फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और हमने नीचे एक पढ़ा था अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस इसके डीप में, तो यहाँ पर ब्रेविस बच गया तो अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस इसके अंदर आ जाएगा। और एक मसल बच गई, 3 बताया था मैंने, तीसरी है ओपोनेंस पोलिसिस, तो ये आपकी हमें पढ़ना है इसके अंदर 3 मसल। अब जो 4 मसल बच गई आपके हैंड के अंदर वो है आपकी थिनर मसल, हाइपोथिनर मसल। हाइपोथिनर मतलब डिजिटी मिनी में, डिजिटी मिनी में जितने भी एक्शन हैं, एबडेक्टर एबडेक्टर डिजिटी मिनी में, फ्लेक्सर डिजिटी मिनी में, ठीक है, एक्सटेंस डिजिटी मिनी में हमने उस बता दिया था, ओपोनेंस डिजिटी मिनी में, ओपोनेंस डिजिटी मिनी में 3 मसल हो गई, ओपोनेंस एबडेक्टर फ्लेक्सर। और एक जो मसल जो बच गई चौथी वो आपकी हमने पढ़ा था पाल्मेरिस लॉन्गस, यहाँ पर आ जाएगी पाल्मेरिस ब्रेविस। तो दोस्तों हो सकता है कि यार आपको बहुत जल्दी मैंने पढ़ाया है तो शायद समझ में ना आए, तो एक बार आप थोड़ा आपने पढ़ रखा है तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ने के बाद इस वीडियो पाओगे तो शायद आप अच्छी तरह से रिकॉल कर पाओगे। मैंने बहुत जल्दी रिवाइज कराने की कोशिश की है जो जिसने पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।